अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फैक्ट्री। आज मैं आपके साथ चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्याज लिए हैं, 2 से 3 अदद प्याज, उनको मैंने काट लिया है। 1 कप दही लिया है। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, उसको मैंने धो के इस तरह पानी में डिप किया है। इसके अंदर मैं 2 से 3 खाने के चम्मच सिरके के शामिल कर दूँगी, इससे चिकन सॉफ्ट बनेगा। 2 अदद टमाटर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, घी जो है 1/2 से 1/4 कप मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पैन में घी शामिल करूँगी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना लें। अब इसके अंदर प्याज शामिल कर दें। आग लो टू मीडियम रखें और चम्मच इसमें हिलाते रहें। अब चिकन को 15 से 20 मिनट हो गए हैं, इसको मैं किसी छलनी में निकाल लूँ। दो से तीन मिनट इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर जो पेस्ट मैंने दही का और टमाटर का बनाया है वो शामिल कर दूंगी। इस टाइम पे आग जो है आप हाई कर लें, तेज़ आग पे इसको पकाएंगे और इसकी जितनी ग्रेवी आप रखना चाहें इस टाइम पे रख लें। ये देखें, इतना बिल्कुल ठीक है। इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दें, 2 से 3 अदद काट के। हरा धनिया डाल दें। मज़ेदार चिकन कोरमा तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।